सर। हाँ आवाज आ रहा है ना। चलो यस सर, गुड इवनिंग सर। वहीं से कंटिन्यू करते हैं बॉन्ड एंगल वाला पार्ट जल्दी से। ठीक है अच्छा। उसमें हम लोग ने ये वो तो देख लिया था जैसे। अच्छा मान लो ऐसा केस आ जाए कि इनमें बॉन्ड एंगल बनाना है, या तो मैंने जो रूल लिखाया था ये सब तो कौन से मॉलिक्यूल हैं, डायगोज मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर एक चीज तो पक्का है, वाटर का ज्यादा होगा इन सब से, बट अब ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल है तो इनमें कैसे कंपेयर करें। तो इनको आप वैसे ही कंपेयर करना जैसा बताया था, यहां पर लगा देना वेस्पर थे, मतलब ट्रीट इट एज नॉट अ ड्रैगो मॉलिक्यूल। आंसर निकालने के लिए वेस्पर थ्री लगा देना। वेस्पर थ्री मतलब कौन सा, पहले कौन सा रूल लगाएंगे, रूल वन, फिर क्या लगाएंगे, रूल 2 रूल 3। रूल टू एंड रूल थ्री। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना ड्रैगो, इनमें भी तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 है, बट इसमें भी थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आएगा तो किसमें करेंगे। तो बताओ सबके साथ लोन पेयर तो है, तो अगर इनको मैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट नहीं करता और इनको भी सिंपल उसी केस में रखता, तो पहला रूल क्या बोलता है कि बॉन्ड एंगल इज नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर तो सब में क्या है, सेम है। सेम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा लोन क्या बोलता है, बॉन्ड एंगल इज एम्प्टी ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। H2S। तो दिस इज योर बॉन्ड एंगल। सर सेलेनियम टेलोरियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं, ये वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा आ गया NH3 PH3 बताओ क्या होगा बॉन्ड एंगल। अब ये अमोनिया तो आगे निकल ही जाएगा बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट अगर ये तीनों ड्रैगोर मॉलिक्यूल आ गए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। सेम रूल, विल ट्रीट देम एज वेस्पर वेस्पर और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सपोज ऐसा आ गया, देखिए लोन पेयर तो ऐसे निकालते थे ना H2S का, याद नहीं है, बताया थे पूरा का पूरा स्टार्टिंग में किए थे क्वेश्चन और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, याद आ रहा है, बोला पूरा एकदम रूल किए थे स्टार्टिंग में, 6 + 2 × 7। ठीक है अच्छा, वो सब पहले के नोट्स मत भूलो। अच्छा इसमें याद आ रहा है सबसे पहले इन सब में लगेगा कि नहीं NBPR, लगेगा सर। यस वो स्टेरिक रिपल्शन का कहानी जो बताए थे। सर। अब इनमें तीनों में लगे स्टेरिक रिपल्शन का कहानी, तो याद रखना ऑब्वियस बात है, ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, अगर ये कहानी लग ही रहा है स्टेरिक रिपल्शन का, तो जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम का साइज है उतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन। एंड मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो एक ऐसा भी डाउट लास्ट क्लास आया था सर, अगर सभी में लग रहा हो स्टेरिक रिपल्शन तो क्या करेंगे। तो इतना तो पक्का है, मुझे इससे मालूम पड़ गया जो मैं पूरा रूल बताया था कि OCl2, OBr2 और OI2, ये तीनों तो ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल किससे, OF2 से, ये तो OF2 पक्का है। से हाँ अब इनमें सर कैसे डिसाइड करेंगे, जब सब में स्टेरिक रिपल्शन का कहानी लग रहा हो तो क्या करना है। तो इनमें जब लगता है इस टाइप के केसेस में तो ये रूल लगा लेते हैं, इनमें भी ज्यादा बड़ा साइज कौन है, OI2 आयोडीन। आयोडीन, तो ऑब्वियस बात है एक्चुअल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल OI2, फिर ओबीआर OBr2, टू सी एल OCl2,
OF2, और अगर आप लोगों को याद हो तो H2O कहाँ रहता था? H2O कहाँ आएगा? बीच में OCl और O हाँ, और इसमें ये भी याद रखना H2O और F2O में याद है ना, हमने हम लोग बताया था एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्यों? एक्सेप्शन क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो यहाँ पर दबाना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल रहेगा। आसान हो जाएगा ना F2 में? आसान हाँ, याद आ रहा है ये आंसर सर। इलेक्ट्रॉन F के पास में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा F के पास है तो उसको दबाना क्या होगा लोन पेयर के लिए? लोन पेयर के लिए दबाना क्या होगा? आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना दबाना। सबको ये समझ में आया? सबको? यस सर। क्लियर है? मैं वही रूल, मैं रूल्स वही लगा रहा हूँ जो लास्ट क्लास कराया, ठीक है ना, कोई डिफरेंट नहीं लगा रहा हूँ, नोट्स का जो किया थे वही करा रहा हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा एक कर लो, बस एक क्वेश्चन सर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, हाँ ले लो। अच्छा एक क्वेश्चन करो तो इसका क्या होगा आंसर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, SO3 2- का हाइब्रिडेशन बताओ क्या? Four, SP3 3 into 6 18 plus 6 24 plus 2 26 ना, SP3 और एक लोन पेयर। हाँ वही बोल रहा था। SO4 2- का SO3 का एक ही लोन पेयर रहेगा, मतलब जीरो लोन पेयर। और SO2 का अच्छा बताओ रूल के हिसाब से पहले क्या बताए थे, पहले क्या चेक करना है? सर सेकंड में SO4 2- में अगर चार सिग्मा बॉन्ड्स और दो लोन पेयर है तो फिर तो SP3D2 होना चाहिए ना सर। चार सिग्मा बॉन्ड क्यों है और दो लोन पेयर है सर? क्योंकि मतलब सॉरी SP3 है ना, जीरो लोन पेयर आएगा ना। हाँ कितना करके देख लो, 4 into 6। हाँ सॉरी जीरो लोन, सबका सही है ना? SO3 2- भी करके सबका सही है ना? हाँ बोलो कौन सा सर? आपने सबका ऐड करके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके 8 के साथ डिवाइड किया ना? हाँ हाँ वही जो पहले सिखाए थे वही किया, सबका सही आ रहा है ना। अब सबसे पहले याद है क्या बताए थे? सबसे पहले क्या किए थे? SP2 वाले अलग कर लो, SP2 वाले कौन है? SO2 और SO3 भी ना। हाँ अच्छा इनमें कैसे कंपेयर करेंगे जब दोनों SP2 वाले हैं? वेस्पर 3 लगाएंगे। रूल 1, एक में लोन पेयर है एक में लोन पेयर नहीं है तो आराम से कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? SO3 का होगा। फिर किसका होगा? SO2। और इन दोनों में भी क्या लगाएंगे अब? रूल 1, रूल 1 क्या बोलता है? पहले चेक करेंगे NBPR तो किसी में डोमिनेट कर नहीं रहा है, वो स्टेरिक रिपल्शन वाला कहानी, तो अब लगाएंगे वही वाला सेम जो बताए थे, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम, तो SO4 2- का ज्यादा और SO3 2- का सबसे। सबको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस को ट्रीट करना है सर? SO4 2- में भी स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, नहीं रहेगा ना। रूल क्या था स्टेरिक रिपल्शन के लिए? क्या रूल था?
सराउंडिंग एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ना, जनरल एटम सेकंड पीरियड, हां मतलब नहीं लगेगा ना। यस सर, सबको समझ में आया पार्ट? ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर मैक्सिमम केसेस में तो यार लग जाएंगे तुमको जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, लेकिन मैंने बताया था कि कुछ जगह तो जहां पर एकदम हेट्रोजिनस सिस्टम हो। अब बोलोगे सर ये हेट्रोजिनस का मतलब यार जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सराउंडिंग एटम्स भी डिफरेंट हो, उस टाइप के केसेस। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है यार, यहां पर यू हैव टू गो बाय द बेसिक्स सर। और sp3d वाले में, हाँ वही सब उसी में आता है, सब इसी में आता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम वही इसी में आ रहा है। देखो है क्या कि पहले वाला भी पहले बेसिक से ही आप लोग को समझाया, कोई फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि आपको पहले कहानी सिखा दिया, बाद में बोला कि इसको फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यही ना है। तो बेसिक्स तो हमेशा काम कर रहा है, या अगर याद हो तो मैंने हमेशा H2O और F2O का भी बेसिक से आपको स्टोरी कॉन्सेप्ट से ही बताया है। प्रॉब्लम यह है कि वो बाद में लगा दिए 99% में, बट कहीं कहीं अगर केसेस स्पेशली आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, अभी तुम्हारे केसेस जो पहले वाले करोगे ना उसमें देखना मल्टीपल बॉन्ड वाले भी उतना सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थे, ज्यादा फंसे नहीं थे। यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक रूल लगाना पड़ेगा। देखो बेसिक का मतलब क्या है, एग्जांपल दे रहा हूं सर, एक डाउट। हां बोलो क्या सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर आएगा? लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा ही है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, उसको कोई मतलब नहीं है सर। तो फिर वो सिंगल सिंगल की तरह ट्रीट करो ना इसको, हां सिंगल की तरह ट्रीट करो। ओके सर, ठीक है। जैसे मान लो अभी ये आ गया, अब देखो यहां पर तुमको अपना खुद से ही रूल जो बता रहा हूं बेसिक से, वो देखो क्या है, एकदम बेसिक से सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, मतलब जो तुमको बॉन्ड एंगल लग रहा है उसको पहले लिखो। ध्यान से सुनना इस पार्ट को, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? इसी मुझे बताओ थीटा वन और थीटा टू में कौन ज्यादा रिपल्शन करेगा, मल्टीपल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड का पेयर? मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर एकदम बेसिक से चल रहा हूं, ये देख रहे हो दो अलग अलग सिस्टम्स है, मल्टीपल बॉन्ड भी हैं, अंदर में क्लोरीन फ्लोरीन को भी करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है ना। आसानी है लेकिन कोई फॉर्मूले पे नहीं आ पाएगा, सॉरी टू से कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। यहां पर आपको अपना बेसिक दिमाग ही लगाना पड़ेगा जैसा कि चल रहा है। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले यहां पर कोई स्टेरिक रिपल्शन का कहानी लगेगा क्या कि सीएल सर बड़ा होकर के स्टेरिक रिपल्शन लगा दिया? हाँ सर, स्टेरिक रिपल्शन के लिए क्या होना चाहिए था कंडीशन? सेंट्रल एटम शुड बी विच हाइब्रिडाइज्ड? sp3। और यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ तो ऐसा नहीं कि सर सीएल रिपल कर गया होगा सर, ध्यान तो लिखा दिया हूँ यहाँ, कोई यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन, जिसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि थीटा टू 120 होना चाहिए, बट 120 से क्या मिलेगा? कम मिलेगा, एक्सपेक्टेड, हाँ कम मिलेगा, और थीटा वन 120 से ज्यादा होगा, ज्यादा मिलेगा, ये लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन करता है, यहाँ चार चार इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली थीटा फोर सर, और ये 120 से ज्यादा सर, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर लाइक कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड एंगल पहले से ही 120 है, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल लिख दिया, तो कहने का मतलब मुझे इतना मालूम हो गया कि
कौन से दो हमेशा ज्यादा होंगे? थीटा वन एंड थीटा थ्री विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन थीटा टू एंड थीटा फोर। अब इसमें ध्यान देना, ज्यादा रिपल्शन किसी, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, सीएल को ज्यादा दबा पाएगा कि फ्लोरीन को ज्यादा दबाएगा, बताओ? साइज में बड़ा कौन है, याद रखना, साइज में बड़ा कौन है? सीएल। सीएल तो सीएल को ज्यादा पास दबा पाएगा कि फ्लोरीन को ज्यादा दबा पाएगा? इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो क्या है, यू हैव टू फॉलो दिस। जब भी दबाने का बात आएगा सीएल फ्लोरीन में, तो सीएल का साइज बड़ा है, तो सीएल को दबाने में हमेशा क्या आएगा? डिफिकल्टी होगा, दिक्कत होगा, ये दबाने में थोड़ा दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीएल स्टेरिक रिपल्शन का कहानी से जीत गया, अगर जीत गया होता सीएल तो बॉन्ड एंगल थीटा टू 120 से ज्यादा होता। स्टेरिक रिपल्शन का कहानी डोमिनेट नहीं किया है जो हम लोग ने कहानी सुनाया था। हाँ, लेकिन सीएल को दबाने में मल्टीपल बॉन्ड की हालत तो खराब होगी, और फ्लोरिन को दबाना थोड़ा क्या होगा, आसान भाई, बिकॉज छोटा सा पिद्दी सा है। तो इसीलिए थीटा वन और थीटा थ्री में बड़ा कौन होगा? फ्लोरीन ज्यादा दबेगा तो थीटा थ्री कौन बड़ा होगा? थीटा थ्री ज्यादा बड़ा होगा किससे? थीटा वन से। और थीटा टू और थीटा फोर में सीएल अगर कम दबेगा तो थीटा टू क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा, और थीटा फोर बड़ा होगा। क्लियर है सबको? समझ में आया अगला पार्ट? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। सर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देखोगे तब तो तुम्हारा आंसर जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ठीक है, वैसे यहाँ पर काम तो मतलब फ्लोरीन अपनी तरफ फ्लोरीन खींच लेगा, हाँ तो ठीक है, आराम से दबा पाएगा। हाँ वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर पर वो हर जगह वर्क हो सकता है? हाँ वो हर जगह वर्क नहीं करेगा, जैसे फ्लोरीन कहाँ फंस जाएगा किसके कंपैरिजन में? अभी आएगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन में फंस जाएगा। हाइड्रोजन के साथ फंसेगा? अरे हाइड्रोजन के साथ या रुको रुको, नेगेटिविटी कम है ना। अरे तो फंसा था ना यहाँ पर, यहाँ पर याद है इसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया था, तो फंसा नहीं, मतलब वहां पर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। अच्छा फ्लोरीन का स्टेरिक रिपल्शन काम नहीं करेगा किसके रिस्पेक्ट में? जब बगल में कौन आ जाए, जब बगल में अच्छा हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा साइज में बड़ा कौन था? फ्लोरीन साइज में बड़ा है, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन का कहानी डोमिनेट नहीं करता था। याद है फ्लोरीन के केस में कौन सा कहानी डोमिनेट करता था? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अरे समझ में आ रहा है सबको जो बोल रहा हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, पर पहले के नोट्स देख कर आओ, ठीक है ना? पहले के नोट्स देख कर नहीं आओगे तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन और एच में याद है ना ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होता था, तो रिपल्शन का कहानी नहीं लगता था यहाँ पर। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में कौन सा कहानी लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहानी लगता है ना। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच लिया, तो इस लोन पेयर को दबाने में थोड़ा क्या हो गया, आसान हो गया। बट सीएल में लग जाता था स्टेरिक रिपल्शन का कहानी जब ये sp3 होता था। तो हम लोग ये सेम कहानी रखेंगे, जब सीएल का बात आएगा सीएल ब्रोमीन आयोडीन तो कौन सा कहानी लगाएंगे, रिपल्शन, और फ्लोरीन का बात आएगा तो कौन सा किस फैक्टर से देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लो इसका अमर्त्या, देख लो इसका, अच्छा मुझे कुछ क्वेश्चंस आप ही लोग करिए, आपको तभी समझ में आएगा।
कंपेयर द एफपीएफ बॉन्ड एंगल. बताओ कौन ज्यादा होगा एफपीएफ में, अल्फा ज्यादा कि बीटा ज्यादा? सर ऊपर ऑक्सीजन है क्या? हाँ ऑक्सीजन. अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन करेगा कि लोन पेयर? लोन पेयर. लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेगा. सर जब तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तब तक लोन पेयर रिपल्शन करेगा. हाँ यस यस, लोन पेयर का रिपल्शन डोमिनेट. तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ट्राई करो इसमें खुद ही से. होमोजेनियस में लाइक फिगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ होमोजेनियस में ऐसे आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तब थोड़ा सा यू हैव टू गो बाय द बेसिक्स. मतलब इसमें नहीं, वो भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा. हो सकता है आपको बॉन्डिंग इसलिए सिखाया जा रहा है. बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे बेसिक मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग अब खुद से आ जाने चाहिए. अरे आप अप्लाई तो करोगे ना कम से कम, ठीक है? एप्लीकेशन तो करना ही है आपको. अच्छा मुझे बताओ, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है. अल्फा है, बीटा है, बताओ. सब कुछ कंपेयर करो, अल्फा बीटा डेल्टा थीटा फाई. लगाओ दिमाग. सर वो एस एन एफ के बीच वाला कौन सा है? थीटा. दिमाग लगाओ बताओ कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा होगा. अच्छा सबसे पहले हाउ डू वी अप्रोच सच प्रॉब्लम्स? सर हो गया. सबसे पहले एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल लिखते हैं. अल्फा का क्या होगा? 109 डिग्री तो मालूम होना चाहिए. बीटा का 109 से कम होगा कि 109 से ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन का वो बॉन्ड से भी मिल रहा है इसको. मल्टीपल नहीं, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन करेगा ना. हाँ वही मतलब. डेल्टा का भी क्या होगा, 109 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा. थीटा का क्या होगा, 109 से ज्यादा कि 109 से कम? सबसे कम. अभी के लिए लिख लेते हैं 109 से कम. और फाई क्या होगा? ज्यादा रहेगा. सबसे ज्यादा रहेगा, 109 से भी ज्यादा. क्योंकि ये होना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहले तो होना चाहिए सबका 109, बट 109 तो रहता नहीं बिकॉज ऐसा केस तो आएगा नहीं. अब मुझे बताओ इनमें से अल्फा तो बीच में रहेगा, इसके इस साइड थीटा और डेल्टा को कर नहीं, फाई को कर लेते हैं सबसे आगे, कौन कौन ज्यादा होगा? गामा भी कोई बॉन्ड है? गामा कोई बॉन्ड है क्या? नहीं. गामा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर. गामा चलो ठीक है, थीटा फाई ना, चलो ठीक है. अल्फा तो यहाँ रहेगा. अच्छा हाँ रुको रुके, काम करते हैं ये गामा, इसको गामा मान लेते हैं. गामा के बारे में बात, 109 से बड़ा रहेगा. हाँ तो कौन से दो अल्फा से बड़े होंगे? गामा, गामा और फाई. फाई और ये दोनों क्या होंगे? छोटे रहेंगे. सर थीटा भी है. हाँ थीटा भी है. क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ क्या होगा, गामा और फाई में कैसे डिसाइड करेंगे आप, ज्यादा कौन रिपल्शन करेगा? फाई. वेरी गुड. फाइव फिर गामा फिर अल्फा. वेरी गुड. उसके बाद इन दोनों में, इन तीनों में बीटा, बीटा डेल्टा फिर थीटा. बहुत तेज हो गए हो, बहुत सही. वेरी गुड परफेक्ट.
चलो आगे बढ़ू सर, एक मिनट। हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, हो गया। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करके, बाकी बहुत सारे कर लोगे। पहले कहां से बताओ? सबसे बड़ा फिर बीटा का। पहले का आंसर सर, एक मिनट सर, अल्फा बीटा गामा। जल्दी करो, अल्फा बीटा देख ही कर लग रहा होगा ना, अल्फा बीटा गामा। दूसरे का आंसर सर, गामा अल्फा बीटा। सही है, बोलो कट आउट यहां तक। इसका बताओ क्या होगा। बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले इक्वल होंगे सर, क्योंकि इक्वल क्यों होगा? रिपल्शन है ना, यहाँ पर रिपल्शन करने वाला कौन है? लोन पेयर। और यहाँ रिपल्शन करने वाला कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा पहले मुझे बताओ, थीटा वन का एंगल 90 से कम होगा कि 90 से ज्यादा होगा? सर 90 होगा। 90 से 90 एग्जैक्टली क्यों होगा? रिपल्शन के कारण थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। अरे होना चाहिए था 90, बट 90 नहीं रहेगा ना, ऐसा है ना। अरे यहाँ लोन पेयर है, थोड़ा सा तो शिफ्ट करेगा, इस धक्का नहीं देगा क्या इस बॉन्ड पेयर को? यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनको रिपल नहीं करेगा क्या सर? इनको थोड़ा टिल्ट कर देगा ना ऐसे, समझा? यस सर। एग्जैक्टली 90 तो नहीं होगा। थीटा थ्री भी क्या होगा? 90 से कम। थीटा टू क्या होगा? रिपल्शन करेगा तो थीटा टू भी 120 होना चाहिए था, बट 120 से कम। और थीटा फोर भी कम, थोड़ा रिपल्शन तो करेगा ही, ये लोन पेयर है, ये सभी को थोड़ा सा बोलेगा कि इस प्लेन पर है ना। तो सभी को एग्जैक्टली ऐसे 90 नहीं रहेगा, थोड़ा सा सबको धक्का देगा ये, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा धक्का देगा, इनको भी थोड़ा बॉन्ड एंगल कम करेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, तो एक चीज तो पक्का है, कौन से दो टॉप में आएंगे? थीटा टू और थीटा फोर किससे बड़ा होगा? थीटा थ्री एंड थीटा वन। अब थीटा टू थीटा फोर में कैसे डिसाइड करेंगे? ज्यादा रिपल्शन कौन करता है, लोन पेयर की मल्टीपल बॉन्ड? लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो थीटा वन। अब मुझे बताओ फाइनल आंसर देख कर, थीटा वन।
थीटा फोर, थीटा टू, थीटा थ्री एंड थीटा वन. वेरी गुड. सबको आया ये वाला? लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कर रहा है तो इसका मतलब थीटा टू और थीटा फोर में ज्यादा कौन दबेगा? थीटा टू और थीटा फोर में मल्टीपल बॉन्ड कम दबाएगा तो इसका मतलब थीटा फोर विल बी ग्रेटर देन थीटा रहेगा. सर थीटा टू थीटा थ्री और थीटा वन में भी ज्यादा कौन दबाएगा? लोन पेयर ज्यादा दबाएगा. लोन पेयर ज्यादा दबाएगा तो थीटा वन थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा दब जाएगा. सर चमक रहे. हाँ बोल रहे सर. थीटा टू और थीटा फोर 120 से ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा कहाँ लिखा हूँ, कम लिखा हूँ ना. अच्छा हाँ एक मिनट. ओके सबको चमक रहा है ना? यस. चलो स्क्रीनशॉट लो. या फिर तुम जितने एग्जाम्पल दे रहा उन्हीं को देख लो, उसी में आते हैं. लेकिन 99% तो तुम्हारे बुकलेट में तो ये सब दिया भी नहीं. स्पेशल केसेस बुकलेट के तो सभी और 99% जो मैंने बताया था उसी फ्लो चार्ट में बन जाए. लेकिन मैंने हमेशा पहले भी बता दिया था कोई है नहीं ऐसा जो पूरा के पूरे केमिस्ट्री को बांध करके एक फॉर्मूला बना दे. वो भूल जाइए केमिस्ट्री पढ़ते समय, कभी नहीं होने वाला है. खास करके इनऑर्गेनिक कभी नहीं होगा. ठीक है, हेल्प किया जा सकता है, मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ. पूरा का पूरा बेसिक छोड़ करके सर एक फॉर्मूला बता दो, रट लेंगे और काम कर जाएंगे, फिर तो आईआईटी इज नॉट द वे. चलो आगे बढ़ो. अच्छा इधर ध्यान दो. अब ये एक स्पेशल केस के अंदर ये भी आता है. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसको ध्यान देना. अच्छा देखो क्या है, साइंटिस्ट लोग ने जब इस मॉलिक्यूल को देखा, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा. इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, सल्फर का कितना है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? एसपी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पांच है ना, पांच सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जीरो है, एसपी थ्री डी है ना. साइंटिस्ट लोग ने जब देखा तो ये बॉन्ड एंगल अच्छी बताओ 120 से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए थीटा? 120 से कम. 120 से कम बिकॉज रिपल्शन हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड का, सब ठीक है यार. उनको लगा इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है. 120 से एक्सपेक्ट किए कि बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, जाकर देखते हैं. उनको 120 से कम मिला, बट देखो सीधा क्या हुआ, 97 डिग्री. यार रिपल्शन से होता क्या है, 120 से कम का मतलब ये है कि 115 डिग्री तक जाएगा. तुम देख रहे हो कितना का डिक्रीज हो गया है, ड्रामेटिक डिक्रीज, जैसा उन्होंने किताब में लिखते हैं फ्रॉम 23 डिग्रीज. हाँ 23 डिग्री से तुम 23 डिग्रीज का डिफरेंस के लिए, मतलब कुछ तो अजीब है इस मॉलिक्यूल में, क्या ऐसा हो रहा होगा. बिकॉज नाउ दिस वाज अ प्रॉब्लम, ये नहीं था डिक्रीज किया, प्रॉब्लम ये था यार इतना नहीं करता. जैसे तुम अभी जस्ट देखो फॉर द टाइम बीइंग, इससे पहले देखो क्या है, हम लोग ने यहां पर थीटा 4 को लेस देन 120 लिया, थीटा 2 को भी लेस देन 120 लिया, लेकिन मैंने इसको 90 से कम नहीं माना. सर ऐसा तो नहीं कि लोन पेयर सर थीटा 2 120 से सीधा क्या दबा करके 70 कर देगा, अरे वैसा नहीं करता है. प्रैक्टिकली 2-3 डिग्री दबाएगा, 6 डिग्री दबाएगा मैक्सिमम, 120 से 114 जाएगा, 10 डिग्रीज मैक्स, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. लेकिन यहां पर कितना का डिक्रीज हो रहा है सीधा, हाँ तब यहां पर स्ट्रक्चर को देखना है. तो देखो स्ट्रक्चर थोड़ा यहां का कैसे लाइक करता है, यहां पहले लिख लो. अब पता नहीं समझ में आया कि नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा, पहले लिख लो इस पॉइंट को. सर तो 97 डिग्री पे F और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिपल्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा चीज है जो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को भी क्या कर रहा है,
डोमिनेट कर रहा है कुछ तो एक ऐसा, वही तो अभी देखो ना स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगा कौन सा चीज है वो। सर एच एटम सीएस एच टू में नहीं है? हाँ मैं लिख रहा हूँ एच एटम्स कौन सा सर, आपने लिखा सी एस एफ टू लेकिन सर यहाँ पे सी एच एस सी एस एच टू दिख रहा है सर। सी एस एफ टू नहीं दिख रहा है, सी एस एफ अभी बताता हूँ ना देखो ना। ओके सर ओके सर। लिख लो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो बेसिकली कुछ ऐसा है, सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन से जितना विजुलाइज कर सको, जितना दिमाग दौड़ा पाओ वहां तक जाइएगा। सिंपल सा चीज है लेकिन एक्चुअली में सल्फर यहां है, इसमें कोई इसी प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर, फ्लोरीन यहां है, ये फ्लोरीन यहाँ कार्बन ऊपर जाएगा ना शायद, ठीक है यहाँ पर एक वॉइस नहीं आ रही, ये वर्टिकल प्लेन में है। सबको ये समझ में आया डायग्राम? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा ये बोल रहा हूँ अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ये कुछ ऐसा है, ये एक प्लेन पर है, ये वर्टिकल प्लेन पर है। सबको समझ में आया पार्ट कि नहीं चमका? सर मतलब एक एच ऊपर है, एक एच नीचे और एक एफ ऊपर, एक पे। हाँ ये दोनों एच जो है ना, एच ए एंड एच बी, दे आर नॉट इन द प्लेन ए बी सी डी, but they are in which plane? They are in the perpendicular plane. Perpendicular plane. ऐसा टाइप का, देखो इधर देखो बताओ ऐसा, यहाँ का फ्लोरीन है यहाँ पर ऊपर और ये फ्लोरीन नीचे था, तो ये H इसी प्लेन पर है, ये चारों एक प्लेन पर है परपेंडिकुलर प्लेन पर। सर मतलब प्लस जैसा बना रहा है। हाँ परफेक्ट। और यहाँ पर तुम्हारा कार्बन है और कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना सर एस के साथ? तुम लोग को, अरे यार हम लोग किए थे बॉन्डिंग, अप्लाई करना सीख, अप्लाई करना नहीं सीखेगा चीजों को तो कैसे चलेगा। C2H4 का स्ट्रक्चर मालूम है कैसे बनाए थे? अगर ये इस प्लेन पे रहता था तो याद है इसका मैंने क्या दिखाया था कि उसका जो पाई बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे रहता है। यस सर। तो अगर ये दोनों जिस प्लेन पे एटम्स, अरे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है ना सर? जिस प्लेन पे, रुको रुको सुनो पहले, जिस प्लेन पर ये कार्बन sp2 होगा तो ये पाई बॉन्ड किस प्लेन पर होंगे? पाई बॉन्ड इसी प्लेन पर है, जिस प्लेन पर कौन है? H एंड F। ये वाले ABCD प्लेन पर होगा। और इससे हुआ क्या, the pi electron cloud is lying in that same plane, इन दोनों F के plane पर, याद आ रहा है? इन दोनों plane के, ये C और D वाले के साथ हैं। और as a result, चूंकि वो उस plane पर lie करते हैं pi electron cloud, there is huge repulsion, और इस repulsion के कारण ये bond angle सीधा क्या हो जाता है, 120 से कितना हो जाता है?
97। अब बताओ कुछ चमका कि फिर से सब चमकाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बताओ सर। सर हाँ बोलो। सी और डी फ्लोरीन एटम्स, सी और डी, ये जो देखो जो मैंने लिखाया है द पाई बॉन्ड जो है अब कौन से प्लेन पे लाइक कर रहा है, देखो वही दिखाना चाह रहा हूं। पाई बॉन्ड लाइज इन इक्विटोरियल प्लेन, तो इक्विटोरियल प्लेन पर ही अगर पाई बॉन्ड, इक्विटोरियल मतलब मेरा कौन सा प्लेन इक्विटोरियल, एबीसीडी, अरे एबीसीडी तो मेरा इक्विटोरियल प्लेन है, उसमें ही लाई कर रहा है और वो रिपल्शन से, चूंकि वो इतना पाई बॉन्ड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी प्लेन पर है तो सी और डी को तो छोड़ेंगे नहीं, फिर वहां के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं येलो वाले इनको तो बहुत धक्का देंगे और यहां से धक्का दे करके सीधा बॉन्ड एंगल को 97 से 120 स्क्रीनशॉट लो, बोलो कोई डाउट है सर। सी एंड एफ के बीच में डबल बॉन्ड होगा ना? हाँ वो तो सी और एफ के बीच में डबल बॉन्ड का सिंबल मैंने पाई बॉन्ड दिखा दिया ना यहाँ पर, ये जो दिखा रहा हूँ ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, ये रेड रेड करके दिखाया हुआ वाला, आप ये पाई बॉन्ड ही है ना? ओके सर। तो दो बार पाई बॉन्ड क्यों बनाऊ, मैं तो दिखा दिया डायग्राम में। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? Yes, ठीक है, इसको नोट मत करना, मतलब बेसिकली कुछ ऐसा, एक वर्टिकल प्लेन और एक कौन सा, ठीक है, और हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसको नोट मत करना, ये सब इसी प्लेन पर, कार्बन भी इसी प्लेन पर, एबीसीडी ये सब बॉन्ड उधर, और जब इस प्लेन पर है तो ऑब्वियस सब बात है परपेंड इसी प्लेन पर पाई बॉन्ड भी हो जाता है, तो यहां के एफ को क्या करता है। चलो बॉन्ड एंगल्स खत्म हो गए, मेरे ख्याल से बुकलेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफ ऑफ बॉन्ड एंगल्स, और मुझे नहीं लगता है कि बॉन्ड एंगल अब कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर सही से नोट्स देखोगे आपको बॉन्ड एंगल के सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो वापस रिवाइज करो फिर से देखो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि बॉन्ड एंगल के तुमको कॉन्फिडेंस ना है, डिपेंडिंग अपॉन अगर नोट्स पूरा देखे हो तो। आई एम मूविंग अहेड, ये क्लियर है सबको? सर 97 डिग्री तो बहुत अनस्टेबल होता है ना सर, तो बहुत क्लोज है वो 97 डिग्री अगर ये है तो इसका मतलब जरूर अगर ज्यादा पास होते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होता। हाँ पर सर जो फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों एक साथ हैं उनमें के बीच में तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होएगा सर। रिपल्शन तो होगा लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है, अगर वो बोलते हैं हम पास नहीं आएंगे तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड रेड में दिखा रहा हूँ पाई बॉन्ड इसके क्लोज आएंगे। हाँ है ना, उनके पास तो दो ही ऑप्शन है, उनके पास हाँ। दो ऑप्शन है, या तो इधर जाएं आपस में लड़ाई करें F और F का बॉन्ड पेयर 97 पर, या फिर थोड़ा फैल करके इसके पास जाएं, वहां पर तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर भी रिपल्शन है, इसलिए तो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये नहीं सोचना है कि उसके, ये ऑब्वियस बात है वो प्रॉब्लम तो आगे कुआ पीछे खाई वाला है, जाएगा कहां, वो वहां पर जा रहा है इसलिए नहीं कि उसको अनस्टेबिलिटी नहीं फील हो रहा है, गलत लॉजिक लगा रहे हो, वो बेचारा फोर्स पे वहां जाने के लिए, उसके पास दूसरा ऑप्शन और बर्बाद है, दूसरा ऑप्शन उसके पास और बर्बाद है कि मैं मुझे तो पाई बॉन्ड के पास जाना पड़ जाएगा जहां तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड दिस इज हाउ केमिस्ट्री इज टू बी लर्नड, उसके पास ऑप्शन और बर्बाद है तो क्या करेगा बेचारा। क्लियर है? हाँ सर। अब इसको वैसे तो ऐसे स्पेशल केस है यार। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू, वी हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ वी हैव टू गो विद डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट बहुत सिंपल सा चीज होता है सर, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आ गया ना। व्हाट इज अ डाइपोल, इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डाइपोल किसको बोलते हैं यार, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
separated by a small distance. Constitute a dipole. जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारे पास एच और सी एल है, तो सी एल और एच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है. CL. तो सी एल, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इक्वली शेयर्ड नहीं है, दिस इज अनइक्वली शेयर्ड. इसमें अनइक्वल शेयरिंग हुआ है. मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, अगर प्रोबेबिलिटी मॉडल से देखना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा समय ये किधर ज्यादा रहता है? क्लोरीन की तरफ की एच की तरफ? बॉन्ड पे क्लोरीन की तरफ, सीएल की तरफ. ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, अगर तुमको प्रोबेबिलिटी मॉडल से समझना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ज्यादा हक या ज्यादा शेयर किसका है? सीएल का. हाइड्रोजन तो बोलेगा मैं तो बस नाम का खाना खा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, बॉन्ड तो बस नाम का बना के बैठा हुआ हूँ, ये तो सीएल ही लेकर बैठा हुआ है. बट फिर आपने ये भी बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि H2 minus मतलब ब्रोमीन जितना साइज हो जाता है तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, नहीं पकड़ पाता इलेक्ट्रॉन्स. H माइनस की बात है ना, तो यहाँ H माइनस कहाँ है? तो मतलब पूछा था कि इसीलिए मतलब वो खुद भी छोड़ देता होगा ना सर कि मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सर. नहीं, एच माइनस इज नॉट अ बॉन्ड. पहले एच माइनस बनाओगे तब ना छोड़ेगा. H माइनस बना कहाँ जो छोड़े? अरे पहले तुम H माइनस बना तो फिर ना छोड़ेगा. तुम H माइनस बना कहाँ रहे? HCl में H माइनस है कहाँ? इसमें तो H है और Cl है. तो बनाएगा तभी भी H प्लस बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है. हाँ बनाएगा भी H प्लस बनाएगा. H माइनस अगर बना तब ना आगे उसकी बात करते हैं, लेकिन H माइनस बना कहाँ है वो तो उसकी बात क्यों करेंगे हम लोग. अच्छा अब इधर देखो, तो एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये जो डेल्टा माइनस क्या दिखा था, व्हाट डज दिस डेल्टा माइनस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस पर कॉन्सेंट्रेटेड है? क्लोरीन के तरफ. क्लोरीन पर. अच्छा तो इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं कि सिस्टम में थोड़ा क्या आ गया है, सिस्टम में आ गया है पोलैरिटी. सिस्टम पोलर हो गया है, इसीलिए आप HCl को एक नाम देते हो. इसको आप बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड तो है, बट नाम क्या देते हो? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर बॉन्ड. आयनिक नहीं बोलते हैं, लेकिन आयनिक के कुछ प्रॉपर्टीज आ गए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखना इसको ही बोलते हैं डाई. नाउ दिस एक्ट, दिस कैन एक्ट एज अ डाइपोल. दो ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस. यहां का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ. क्लियर है? तो एक तो यह, अब जैसे नॉन पोलर से Br2 क्या होगा? पोलर की नॉन पोलर? पोलर. पोलर क्यों होगा? दोनों साइड Br है तो कहां रहेगा इलेक्ट्रॉन? बीच में रहेगा. भी नहीं जाएगा. कहीं नहीं जाएगा. नॉन पोलर है. H2 क्या है? नॉन पोलर. Cl2 नॉन पोलर. क्यों इस समय पोलैरिटी आएगा? दोनों साइड क्लोरीन है, एकदम इक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन. CH4 में भी नॉन पोलर होगा ना सर? CH4 में चूंकि उसमें बताता हूँ, रुको वही बताने वाला हूँ. अच्छा तो इसका मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा?
मोर इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी सिंपल। किसी को यहां कोई डाउट है तो पूछो। डायटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल, हाँ डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा मतलब उसमें उतना ज्यादा पोलैरिटी। किसी को डाउट? अच्छा, डाइपोल जो है, अगर कोई डाइपोल है तो डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट। अगर कहीं डाइपोल क्रिएट हुआ तो एक डाइपोल मोमेंट होगा एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं डाइपोल मोमेंट का? मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय फॉर्मूला क्यू इंटू डी। क्यू क्या है यहां पर? क्यू इज द चार्ज, चार्ज ऑन एन एटम। हाँ, जैसे HCl में जो चार्ज है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, जो भी चार्ज, अब दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, ऑब्वियस बात है। जितना Cl खींचेगा उतना ही H पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, तो जितना का प्लस उतना का ही माइनस, तो चार्ज। और D क्या है? डिस्टेंस। हम लोग को तो यार फिजिक्स करना नहीं है, हम लोग तो केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग के लिए डिस्टेंस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। अच्छा, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बताओ HCl में कैसा डायरेक्शन देंगे डाइपोल मोमेंट का? डायरेक्शन कैसा देंगे? क्लोरीन की तरफ, More towards chlorine. पूछिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पहले बोलो। सर तो फिर जो भी अपना मॉलिक्यूल है जो फ्लोरीन के साथ करता है अपना बॉन्ड बनाता है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा डाइपोल, उसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। यस यस, फ्लोरीन के साथ बनाने वाला जो रहेगा जनरली बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा जैसा केमिस्ट्री में आता है एक बहुत स्पेशल केस है। हाँ, क्योंकि दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्यू और डी पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं कहीं डाइपोल मोमेंट, सॉरी बॉन्ड लेंथ का फैक्टर जीत जाए। क्यू का फैक्टर कौन डिसाइड करता है? क्यू का फैक्टर तो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अरे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? क्यू होगा, है ना? क्यू इज व्हाट? चार्ज सेपरेशन, उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा, एक पे डेल्टा प्लस एक पे डेल्टा माइनस। और डी क्या है? बॉन्ड, जनरली क्यू डोमिनेट्स बट कभी कभी डी भी डोमिनेट कर जाता है, और देखेंगे अभी एक बहुत स्पेशल केस में है। पहले बताओ इसमें किसी को डाउट अभी तक? नहीं सर, तो सारे आयोनिक बॉन्ड्स सारे डाइपोल मोमेंट करते हैं। देखो यार, आयोनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलैरिटी, ऐसे समझो। तो वहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है ना सर, वो तो आयन से बॉन्ड, वहाँ पर वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तुम मुझसे अगर ऐसे पूछोगे कि सर मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ये कुछ ऐसा टाइप का हालत है। इमेजिन करो सीएल और सीएन, इलेक्ट्रॉन दोनों, मान लो दोनों आए आपस में बॉन्ड बनाने, तो इलेक्ट्रॉन एकदम इक्वली शेयर्ड है। तुम एक को सीएल रख लो, सॉरी एक को एच रख लो, एक को सीएल रख लो, इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर्ड होगा? सीएल की तरफ। और एक को एनए रख लो और एक को सीएल रख लो, ऐसे समझो एनए और सीएल तक आते आते इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनए बोला बॉन्ड छोड़, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो पूरा अपने शेल के अंदर ही ले ले, खुश हो जा। तो एक काम करना, मुझे बॉन्ड क्यों बना रहा है, मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ही नहीं है। तुम बोलेगा तुम कोवेलेंट बॉन्ड रख करके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहता है ना, तो एनए उसको बोलेगा तुम बहुत सही आदमी के पास आए हो, मैं तो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मुझे नेचर ने इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाया है, तुम बॉन्ड ही क्यों बना रहे, इतना टेंशन ही क्यों ले रहा है।
तुम पूरा का पूरा ये जो दो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरा का पूरा किसके सर पे चढ़ा दूं मैं? सीएल पर, सीएल के ऊपर बस। तो कहने का मतलब तुम अगर देख रहोगे तो क्या है, आई एम मूविंग फ्रॉम नॉन पोलर टू बीच में पोलर, एंड व्हेन दिस पोलैरिटी का ही एक्सट्रीम केस इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड। सर तो मतलब पोलार जो है वो हाइब्रिड है, आयोनिक और कोवेलेंट। इसीलिए तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़े आयनिक के प्रॉपर्टीज आए हैं, वही होता है और यही बेसिकली हो रहा है। केमिस्ट्री इज नॉट अ डिस्क्रीट फंक्शन। नेचर में कभी कुछ ऐसा है क्या? नेचर में खुद ऑब्जर्व करो, नेचर में क्या कोई परफेक्टली यही प्रॉपर्टी और परफेक्टली यही प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। नेचर में भी मिक्स्ड मिलेगा तुमको, यहाँ भी मिक्स्ड मिलता है। मैं वही बोला कि इट इज टोटली ऑब्जर्वेशन। अब लगेगा कि सर थोड़ा अलग चले गए, लेकिन बात तो वही है, नेचर में बीच वाला नहीं है क्या है? बात तो आप ऑब्जर्व करो, आपको सब में दिखाई पड़ेगा। यही वो भी बोल रहा है, एक केस है नॉन पोलर, एक केस है एक्सट्रीमली पोलर आयनिक, और बीच में पोलर जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज हैं। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री। अब देखो ध्यान से, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो Cl2 हो गया, HCl आ गया, NaCl। तो NaCl मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज इट, इज पोलर? यस इट इज एन व्हेन पोलर फॉर्म इज टोटली 100% इन इट्स डोमिनेंट, सो दैट इज बिकम्स एन आयनिक बॉन्ड। नाउ अब ध्यान देना इधर, ये जो डाइपोल मोमेंट है, जब साइंटिस्ट लोग इसको देखे, डाइपोल मोमेंट को देखे, तो इट हैज टू कंट्रीब्यूशंस। एक तो होता है द डाइपोल ड्यू टू बॉन्ड, जैसे कौन सा बॉन्ड, जैसे एक एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा HCl और ऐसे। बट एक और डाइपोल है द डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर। अरे लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तुम जब एक्चुअली में डाइपोल का क्या मतलब है यार, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ मास, अगर फिजिक्स में आगे करोगे सेंटर ऑफ मास, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट है। मॉलिक्यूल में कहीं एक जगह सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, कहीं एक जगह सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। यार लोन पेयर भी तो यार इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसके कारण भी डाइपोल, एक डाइपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूशन आता है। अलग बात है दिस कैनॉट बी कैलकुलेटेड, इसको क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब बताता हूं, क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बोलोगे सर क्यू इंटू डी, क्या क्यू लें और क्या डी लें, ये नहीं बता सकते। बट इसका कंट्रीब्यूशन देखा गया है डाइपोल मोमेंट। जैसे एग्जांपल तुमसे कोई पूछेगा, आगे जाकर के तुम सेंट्रल एटम देखोगे और तुम ऊपर लोन पेयर चलाओगे, तो तुम बॉन्ड का डाइपोल तो दो गई और साथ ही साथ एक डाइपोल ये भी मारोगे, ये वाला, ये किसके थ्रू है? व्हाट इज दिस ड्यू टू? दिस डाइपोल कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू व्हाट? लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो होता ही है। बॉन्ड पेयर के लिए क्या देखना है? बॉन्ड पेयर के लिए तो देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और लोन पेयर के लिए क्या देखना है? उसके लिए मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर होना चाहिए। यस, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों यार? अभी जस्ट बताया था, अगर प्योर लोन पेयर बिना मतलब का हो जाएगा सर, लोन पेयर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्योर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्योर के अंदर मतलब नहीं होता, भाव नहीं देता उसको। प्योर का मतलब नहीं है, प्योर का मतलब है प्योर पी लोब्स में इधर भी इक्वल प्रोबेबिलिटी, इधर भी, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक डायरेक्शनल नेचर होता है, उनका थोड़ा सा मिल करके
एक थोड़ा सा नया चीज ही प्रिपेयर किया हो जो कि डायरेक्शनल है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कॉन्सेंट्रेशन है, कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए एक बड़ा लो बनाते हैं छोटा लो बनाते हैं। सबको ये क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक का मतलब जिनमें सिंगल रहते हैं, दो से ज्यादा एटम, हो सकता है इंडिविजुअल बॉन्ड्स में भी पोलर, इंडिविजुअल बॉन्ड्स हो सकते हैं पोलर हों, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये ऐसा हो सकता है अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से। अब तुम बोलोगे सर कहानी हो गया, समझा दिए, सब कुछ कर दिए, क्वेश्चन किस पर आता है? क्वेश्चन आता है आपको बताना है, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने नहीं बोलता है, दो तीन मॉलिक्यूल देते हैं और पूछता है कि बताओ ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। देखो यार सिंपल क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द डिसाइड ऑन द पोलैरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूल देकर के डिसाइड ऑन द पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी डिसाइड करने का क्वेश्चन आया तो व्हाट इज आवर अप्रोच? यार देखो सिंपल सा चीज है, अगर डाई एटॉमिक है तब तो कुछ मुझे ख्याल से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, डाई एटॉमिक है एंड डिफरेंट एटम्स अटैच्ड है तब तो पता लगा ही लोगे, डाई एटॉमिक दो ही एटम्स हो एक बॉन्ड में और डिफरेंट हो तब तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, होगा ही। एंड मॉलिक्यूल तो पोलर, हाँ होगा ही, उसमें तो कुछ ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा, मतलब तुमसे ये मतलब एच एफ बॉन्ड पोलर है कि नहीं, अरे यार बोलोगे सर ये आईटी में थोड़े पूछेगा, जेई में एच एफ बॉन्ड इज पोलर, एच सी एल इज पोलर, ये तो मालूम है, अगर एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ठीक है यार ये सब पोलर है तो मालूम है, ऑल ऑफ दीज आर पोलर कंपाउंड्स। पर अगर ऐसा कुछ लाइक एलिमेंट दे दे जो कि लाइक बहुत ज्यादा अननोन लाइक बहुत नीचे एटॉमिक, अरे यार अगर कोई कुछ भी हो, अगर दो ही एटम है और अगर दूसरा वाला नेचर में डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा। यस सर समझ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक प्रॉपर्टी है ना, दो एटम्स का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हो सकता है, अगर दो एटम्स का एक हो जाता ये तो केमिस्ट्री तो मतलब एटम्स ही सेम है तो कुछ तो डिफरेंस। हाँ ये बोल सकते हो सर इनमें से सबसे पोलर, ये पूछ सकता है बताओ एच एफ एच सी एल एच बी आर में सबसे पोलर कौन होगा? एच एफ सबसे पोलर होगा, ये वो पूछ सकता है, जिसमें कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, तो खुद ही बता दिए एच एफ सबसे पोलर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई लोड वाली बात नहीं है ना, तो वो दो ही एटम्स का पूछे जाए कि पोलैरिटी बताओ तो यार ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर इज द पोलैरिटी। चलो बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछो, अभी तक नेक्स्ट पेज में जाने से पहले पूछिए कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ू? हाँ सर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन दूसरे सेट में अच्छा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पोलैरिटी कैसे? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग चीज नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बस वैसा ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग चीज नहीं है, बस उसमें देने वाला आदमी एक ही रहता है, लेकिन एक बार जब दे दिया दूसरे को तो उसके बाद जब शेयर किया तो बन गया एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। यस अच्छा, इफ मॉलिक्यूल इज पॉलीएटॉमिक देन, तब देखो क्या करना है, तब तो यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर शेप,
तब तो यार प्रॉपर शेप लिखना है। अब याद है हम लोग शेप पर पूरा क्लास किए हुए हैं। देन उसमें इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, जो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स हैं एड देम वेक्टोरियली। तो यहां पर आपका वेक्टर टेस्ट होगा, फिजिक्स का वेक्टर, ये आपको देखना है। और उसके बाद यू हैव टू कम अप विथ एन आंसर एग्जाम्पल। मान लो बी एफ थ्री आ गई, तो बी एफ थ्री कैसा होता है बताओ? अब किसी तरीके से नहीं बना सकते ना, दिस इज अ पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो अब सभी इंडिविजुअल बॉन्ड्स को डायरेक्शन दो, मान लो इसका डायरेक्शन ये और कुछ मैग्नीट्यूड मान लो ए, तो बेसिकली अब इन सभी इंडिविजुअल बॉन्ड्स का वेक्टर एडिशन करो और मुझे बताइए वेक्टर एडिशन क्या आएगा? जीरो, 120 डिग्री पर है तो जीरो आएगा। तो इसीलिए बी एफ थ्री को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। यस, फॉर बी एफ थ्री जो डाइपोल मोमेंट निकला है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्लेस करते हैं, म्यू से बताते हैं सिंबल, दैट इज जीरो। मतलब एंड इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब मॉलिक्यूल को आप क्या टर्म करोगे, पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। यस, जबकि आपसे कोई पूछेगा इंडिविजुअल बॉन्ड्स क्या है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर, पोलर, बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नॉन पोलर। जैसे और इसमें एग्जांपल्स आते हैं, सीओ टू, सीओ टू कैसा रहेगा? इसीलिए शेप सही से बनाना है। 120 मतलब पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। इस पर अब तुम बोलोगे सर ये किसका क्वेश्चन बन गया, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज अ टेस्ट ऑफ आपको शेप बनाने कितने अच्छे से आता है। जितने अच्छे से शेप बनाओगे उसके बाद आपको फिजिक्स लगाना है और उसके बाद आपको एडिशन करना है बस। तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ शेप बनाने आना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल देते हैं, बीईसीएल टू, याद है बीसीएल टू लीनियर होता है? यस सर, इसमें भी वही हाल होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अच्छा और देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि डाउट है, हाँ बोलो सर, ये बीसीएल टू अपना कोवेलेंट क्यों है, आयोनिक क्यों नहीं है? ये फजान रूल से आएगा, अभी आने वाला है, इसके बाद फजान रूल आएगा उसके, उसमें क्लियर। आपने जो होमवर्क दिया था उसमें कितना बार आ रहा था ये बी? हाँ यस यस यस, BCl2 जो है that is a covalent molecule, it is not ionic, और इसका reason इसके बाद फजान रूल में करेंगे। अच्छा और देखो BCl2 के बाद आ गया, हाँ CCl4 बताओ क्या होगा? यार CCl4 को इमेजिन कर पा रहे हो tetrahedral? नहीं इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे सर, पर ऊपर का like टॉप वाला Cl का ऊपर ऊपर डायरेक्शन रहेगा कि नीचे होगा? नहीं, ये सब ऐसे रहेगा ना बॉन्ड, और ये सब अगर तुम 3D में देखोगे तो इनका भी वेक्टर और इसका वेक्टर कैंसिल आउट करेगा, एकदम सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलर। CCl4 इज अ प्योरली सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल। गूगल में जाकर के सर्च मारो CCl4 का इमेज देखो, एकदम आपको दिख जाएगा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो नॉन पोलर। जबकि इंडिविजुअल बॉन्ड्स क्या हैं? इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। अच्छा मुझे ये बताओ, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, तो सर इसलिए अपना वाटर भी पोलर है क्या? हाँ यस, वाटर पोलर है। PF3Cl2 और PF2Cl3 बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका डाइपोल मोमेंट कम? PF3Cl2 कैसे बनाएंगे? वो याद आ रहा है बेंड्स रूल, सॉरी वो जो रूल बनाए थे, yes, Cl इधर डालेंगे, F डालेंगे, सबको चमक रहा है ना रे?
सर सीएल ऊपर नीचे होगा ना एक्सियल पोजीशन पे। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ डालते हैं रे? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे दूर रहता है एक्सियल पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो पहले डालते हैं ना इक्विटोरियल पे, भूल गया क्या? ओके ओके सर, सब भूल के बैठ जाता है लोग। चलो अब बताओ इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बताओ? दूसरे का जीरो है। इस वाले का एफ की तरफ है जो, हाँ ये दोनों कैंसिल कर देंगे। हाँ सर कैंसिल। और ये जो सीएल वाले हैं ये भी कैंसिल कर देंगे कि नहीं? क्यों? बिकॉज एंगल कितना है? 120। वेरी गुड, बहुत तेज हो गए तुम लोग, बीच बीच में भूल जाता है बस। तो यहाँ का म्यू जीरो, और यहाँ पर कैंसिल करेगा क्या सीएल? सीएल हाँ ये तो कैंसिल कर देगा ऊपर नीचे, बट ये वाले कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ तीनों जगह सीएल नहीं है। इसका कुछ होगा म्यू, पता नहीं क्या होगा। नॉट इक्वल टू सर, तो फिर वो कैसे ढूंढेंगे? वो नहीं पूछता है उस, अगर वो पूछ, वो अगर देखा जाए तो उसके लिए फिर देगा वो, लेकिन वो पूछेगा नहीं। मैंने बोला ना बॉन्ड मैग्नीट्यूड्स डायएटॉमिक का पूछ देगा, इन सब का नहीं पूछता है। इन सब का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे ही पूछेगा, क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें। तो इसका डायरेक्शन पूछ सकते हैं? डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी नहीं पूछ, डायरेक्शन भी डायरेक्शन नहीं पूछेगा फिर। हाँ वो भी नहीं पूछता, डायएटॉमिक सबका ही पूछेगा, इतने सारे का डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं। हाँ सर वो इसमें एफ के तरफ है। हाँ लेकिन चलो ठीक, चलो आगे बढ़ो। यस सर। अच्छा एक और चीज, पीसीएल 5 किस कैटेगरी में लाई करेगा बताओ? पीसीएल 5 पोलर की नॉन पोलर? ये वाले कैंसिल आउट कर दे, सभी तो कैंसिल आउट करेगा क्या? इतना अच्छा तो भगवान बनाया इन लोग इतना। सर पर ये सब डी में पूछा जाएगा क्या? क्यों नहीं पूछेगा? इतना आसान वाले, अरे आसान अब लग रहा है तो क्यों आईटी को टफ क्यों समझता है? टफ ही पूछेगा। अरे तुम लोग ऐसा समझ कि हम लोग को भी आता है ऐसा, क्योंकि पढ़ाने के बाद तो आसान होगी क्या? याद कर ऐसा महसूस के जाके आईटी एकदम एक ये है क्या पूछता है? अरे यही सब पूछता है वो, ठीक है ना? हाँ फिर बोलोगे सर टफ क्यों होता है? टफ इसलिए होता है कि चार चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर 11 12 तक कितने चैप्टर आ जाएंगे? 100 है ना, 100 तो आएगा कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर के 90 चैप्टर्स। चलो 90 आएगा, हाँ 90 तक तो आएगा, तब प्रॉब्लम आ जाता है ना, तब याद करो, याद करने में दिक्कत आता है, अभी इंडिविजुअली तो सब सही है। चलो आगे बढ़ू। हाँ तो फिर इतने सारे एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में याद कैसे रहेंगे? हाँ डेली देखो रिविजन करो सर, कहानी बनाओ, कहानी बनाओ रिविजन करो, ये सब में ज्यादा समय लगता है। प्रॉब्लम जेई का एग्जाम में उतना नहीं है जितना कि आपका स्ट्रेटजी, मेहनत आप कैसे करते हो उस पर है, ये तो यही सब पूछेगा जितने क्वेश्चंस करा रहा है। चलो आगे बढ़ू, अमर्त्या हो गया? यस सर। ओके चलो अब हम लोग, हाँ चलो और इस पर चलते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ ये सब पानी पोलर की नॉन पोलर? पानी पोलर, यार पोलर। ये तो कुछ सोचना ही नहीं यार, ऐसे भी दो दो लोन पेयर। अच्छा एक चीज याद रखना, लोन पेयर को काटेगा कौन? लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट है उसको कौन कैंसिल आउट करेगा? लोन पेयर ही, खुद लोन पेयर। हाँ अगर दोनों सबसे लोन पेयर को कैंसिल आउट करने वाला लोन पेयर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं इसका क्या मतलब, XZF4 को देखो, XZF4 का याद है कैसे शेप बनाए थे? यस सर ट्राइगोनल स्क्वायर प्लेनर। हाँ ट्राइगनल बोल रहा था ना, गुस्सा आ रहा था ट्राइगनल। हाँ सर वो स्लिप हो गया था। हाँ देख इधर, यहाँ पर ये दोनों तो अपने कैंसिल कर दिए बॉन्ड वाले डाइपोल, इनमें तो कोई लोड वाली बात है नहीं, लोन पेयर वाला भी दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। लोन पेयर
वो कैंसिल आउट लोन पेयर ही करता है, इसीलिए एक्सजीएफ फोर भी कुछ नहीं लोन, दोनों अलग नेचर है ना, लोन पेयर के कारण जो डाइपोल आएगा उसको लोन पेयर ही कैंसिल आउट कर पाएगा प्रोवाइडेड डायरेक्शन सेम हो, जैसे पानी में डायरेक्शन ही अलग अलग थे तो नहीं कर पाएगा। पर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड नीचे की तरफ और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा नीचे की तरफ होगा तो फिर डाइपोल नीचे की तरफ ज्यादा। हाँ, मैं ये बोल रहा कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना, नीचे हो जाएगा कुछ, जीरो नहीं होगा ना, मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा ना। हाँ यस सर, यही बोल रहा हूँ। अगर लोन पेयर आगे, मतलब अगर एक लोन पेयर, चलो एक लिख लेते हैं, इफ देयर इज वन लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका मतलब सिस्टम को पोलर होना पड़ेगा कि नहीं, कंपलसरी हो। हाँ, तब मॉलिक्यूल क्या है, पोलर बोल ही दो, मॉलिक्यूल पोलर है। जैसे एग्जांपल इसके कौन कौन से, SO2, अब SO2 याद है कैसा बनाते थे, लोन पर आया ना, तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है, मतलब नॉन पोलर है भाई, नॉन पोलर। लोन लोन पर को कैंसिल करने वाला लोन पर आना चाहिए, एमोनिया पोलर की नॉन पोलर, पोलर पोलर NF3 पोलर की नॉन पोलर, पोलर पोलर पोलर। हाँ, अब दो लोन पर है तो चेक करो, if two lone pairs then you have to check sir, मतलब odd number of lone pairs है तो फिर क्या कहते हैं पक्का, जरूरी नहीं है, नहीं 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 गलत गलत नहीं सर, फिर odd number equatorial में 120 बना सकते हैं। हाँ समझ गया, वो देखो odd number, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई lone pair आ जाए, ऐसा कोई i3 minus, yes हाँ ठीक है, तब तो cancel out कर देंगे। हाँ सर याद आ गया, ठीक है, तो एक लोन पेयर अगर हाइब्रिड में मौजूद है तब तुम आराम से बोल दो कि यार वो लोन पेयर अगर हाइब्रिड में मौजूद है तो मॉलिक्यूल पोलर है, उसको कोई कैंसिल आउट करने वाला है ही, दो है देन चेक वेदर दे आर ऑपोजिट, कि वेदर दे आर नॉट ऑपोजिट। अच्छा व्हाट इज H2S, पोलर कि नॉन पोलर, व्हाट इज H2S, पोलर होगा, इसका S किस में है, इसके पास भी लोन पेयर है बट ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, प्योर ऑर्बिटल में, ये तो प्योर ऑर्बिटल में है, लेकिन यहां पर मैंने बताया था डाइपोल के दो कंट्रीब्यूशंस हैं, कौन कौन, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर। लोन पेयर ठीक है यार, प्योर में है तो कुछ ज्यादा मचा नहीं पाया, लेकिन सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, बॉन्ड डाइपोल तो है, यस सर। और क्या ये दोनों लीनियर हैं, क्या क्या H2S ऐसा है क्या, नहीं सर ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब तो वहाँ पे SO2 के लिए आपने नॉन पोलर लिखा है क्या सर, अरे SO2 के लिए पोलर लिखना है सर, यस सर वहाँ पे डाउट हो गया था क्योंकि अभी आपने वहीं पे लिखा था कि वन लोन पेयर के लिए हमेशा पोलर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ऐसा तो H2S है नहीं लीनियर सर, ऐसा बना देंगे ये तो है नहीं, तो बॉन्ड डाइपोल तो है ही, H2S भी पोलर है, सबको क्लियर है ना बातें। हाँ सर, यस सर। अच्छा अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट केस, अब होता क्या है, जैसे जो मैंने बताया था ये याद रखना, CH3 Cl और CH3F में ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए, अगर चार्ज के बेसिस पर देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो क्यू पार्ट, क्यू वाला पार्ट जो है ना फ्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन जैसा मैंने बताया था केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन तो मुझे पसंद नहीं आता है बोलना, मुझे तो पसंद आता है लॉजिकली हर चीज बोलना, और लॉजिक है भी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर, क्यू बी और किस पर, डी बी बॉन्ड लेंथ भी, तो जरूर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या है,
ज्यादा होते हैं, अभी आगे करेंगे भी बॉन्ड लेंथ पर भी पैरामीटर्स करेंगे। तो जरूर ये एक्सपेक्टेड फिनोमिनन है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। तो विच फैक्टर डोमिनेट्स हियर? द बॉन्ड लेंथ का फैक्टर डोमिनेट कर गया होगा। सर आपने जो स्पेशल केस बोला था यहाँ पे आ चुका है। हाँ वही वाला। अब तुम बोलोगे सर फिर ऐसे कैसे याद रखें, क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो देखो ऐसे केसेस जो है ना कुछ भी उठपटांग पूछता नहीं है, ये वही केसेस पूछता है जो एनसीईआरटी में मेंशन है ना। ऐसे बच्चे को क्या मालूम, वो जाकर स्केल लेकर के नाप तो नहीं रहा है। साइंटिस्ट भी क्या किए, नापे थोड़े ना, साइंटिस्ट भी तो जाते हैं मेजर करते हैं, उनको भी लगता है चलो चलो चलते हैं सीएच3 अब ज्यादा होना चाहिए, जाते हैं देखते हैं अरे CH3Cl ज्यादा है, तो फिर अपना कहानी चेंज कर देते हैं। यही ना वो भी करते हैं, हम लोग तो कर, हम लोग के पास तो कोई लैब नहीं है, तो पूछोगे सर करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को नोट्स बनाकर देख लेना है, वही पूछेगा। जैसे दिस इज मेंशन इन एनसीईआरटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो यही सब पे आपको बार बार पूछेगा। ऐसा टेंशन मत लेना कि सर अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं कैसे करें, मत लीजिए, वैसा नहीं पूछता है, टू द पॉइंट पूछता है। ये क्लियर है? इनफैक्ट याद रख लेना, मतलब तुम ज्यादा बोलोगे क्या करना है, तो गुरु पर विश्वास रखना है और नोट्स अच्छे से बनाना है, उसी से पूछेगा। ये होता है डायपोल मोमेंट। अच्छा फिर CH3F जीत गया CH3Br से, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीत गया होगा, और क्या बोल सकते हैं, दुनिया ऐसा ही चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीत गया होगा। अब बोलो किसी को अभी तक कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लिया डायपोल मोमेंट का सर? चल आगे बढ़ रहा हूँ सर, पिछला पेज दिखा सकते हो, इससे भी पहले वाला। एक्चुअली इतना पीछे रे, लाइफ में इतना पीछे मत जा, पता हो गया। चलो अब देखो, हाँ डाइपोल। अच्छा इस पर भी ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, उतना ही जाएंगे जो बुकलेट में सॉल्व किया है या बुकलेट टाइप में आएगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिटेल में करोगे यार, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा तो टच नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सर आप हम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा यार, अभी तुम लोग अभी देखो क्या होता है, अभी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सर जो पोलर और नॉन पोलर है वो सॉल्युबल नहीं होंगे ना? पोलर वाले सॉल्युबल हो सकते हैं पानी में ना? हाँ मतलब नॉन पोलर सॉल्युबल नहीं होंगे ना? हाँ पानी में सॉल्युबल। अच्छा इस सब का नाम है ऑर्थो क्लोरो, तो यहाँ पे ओ मतलब यहाँ पे सर्कल इसलिए क्योंकि रेजोनेंस बॉन्डिंग है, रेजोनेंस होता है। यस यस यस, ओ मतलब होता है इस, पता नहीं थोड़ा ऑर्गेनिक मतलब टर्म जान लो, अगर कोई ग्रुप रहता है ना, हाँ जी रहता है, तो जी के रिस्पेक्ट में इसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो। ऑर्थो इसको क्या बोलते हैं? जी के रिस्पेक्ट में मेटा, नॉट मेटल, मेटा, ठीक है ना। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना की बन जाए विद रिस्पेक्ट टू जी। और यहाँ पर कोई ग्रुप रहता है तो क्या बोलते हैं? पी, पी से कुछ बोलते हैं। हाँ पैरा, 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 ठीक है। ये सब उतना नहीं दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग बस इतना जान लेते हैं, कभी कभी तुमको ऐसे आएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। वैसे टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, अगर मैं होता तो मैं तो नहीं पूछता आप लोग से, क्योंकि ऑर्गेनिक, लेकिन बुकलेट दिया है तो मैं भी थोड़ा फोर्स्ड हूँ। हाँ स्ट्रक्चर बनाकर दे दे तो अच्छी बात है, अब नाम देकर पूछेगा तो थोड़ा लोड है। समझ में आया? वो किसके लिए स्टैंड करता है सर? ये सिर्फ बेंजीन जैसा मॉलिक्यूल में होता है क्या? हाँ, यस यस यस। अच्छा नाम याद आया, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो, एम स्टैंड्स फॉर
बेटा और इसके बाद सिंपल है यार, इसके बाद तो सिंपल सा काम क्या करो यार, एच को तो देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये एच यहां से करेगा तो इसको ऑपोजिट वाला एच क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लीज डोंट गो इनटू दैट एच प्लीज, ठीक है? हम लोग को बस सीएल का देखना है, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, एक यहां, और ये तो बहुत प्यार से यू कितना आ जाएगा, वेक्टर डिस्टेंस जानते ही हो कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो. इसका कैसे करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, और बेंजीन में याद रखिएगा ये एंगल जो है इसको थोड़ा वेक्टर एडिशन करना, दिस एंगल इज 120, सिमिलरली यहां पर ऐसे, यहां ऐसे 60 होगा, 60. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसका, ब्लैक वुमन ऑर्थो का सबसे ज्यादा रहेगा, आप लोगों तो फिजिक्स तो इतना वेक्टर की यही हो गए, वो सिंपल सा है तो मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा डाइपोल एलिमेंट इस वाले का, फिर इस वाले का, ठीक है? अच्छा मान लो यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए, सबको समझ में आ रहा है कि चमक रहा है? हाँ सर. अच्छा इधर देख, अच्छा इसका नाम क्या है पहले तो इधर देखो, अच्छा हाँ इसे बताओ, इधर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये करोगे, अरे क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, बहुत अच्छा बात, इधर क्या करोगे, इधर का डायरेक्शन क्या करें, क्या बोलते हैं जीरो है क्या, नहीं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, चार चार बॉन्ड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp3 के sp2, sp2 तो ज्यादा इसमें भी डाइपोल होगा, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, समझा, येलो से दिखा रहा हूँ, ये सॉरी येलो अच्छा नहीं रहता है, ये डायरेक्शन है, आपने किसका लिखा है, किसका बताओ, sp2 आपने किसका लिखा है, इस वाले का, ये sp2 होता है ना, बेंजीन के कार्बन का sp2 होता है ना, करके देख लो, अरे बनाने भूल गया क्या, कैसे निकालते थे याद है, नहीं. इस कार्बन का कितना, इस कार्बन का कितने सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन, हाइब्रिडेशन सेम टू, एंड व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर याद रखना, ऐसा नहीं कि इसको नहीं, कार्बन बहुत लोग क्या करते हैं, सर ये भी कार्बन और सर ये जो है ग्रीन वाला कार्बन, अरे कार्बन कन कार्बन तो है बट दोनों का नेचर क्या है, अलग है, और हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 का sp3 से जाता है, ज्यादा होता है। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा, अब तो आएगा वेक्टर, वेक्टर ऐसे ही ऐड कर दें क्या कि इसको याद आ रहा है, इसको क्या करना होगा, फॉरवर्ड्स लेफ्ट, हां बहुत अच्छा, फॉरवर्ड राइट एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा कितना एंगल, 120. ये कितना एंगल, अच्छा 60 आएगा, 60. और ये कितना, जीरो, जीरो डायरेक्टली, व्हाट इज द आंसर, सो तो फिर पारा में सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, नाम भी इंक्रीज हो रहा है, यस नाम भी है पैरा क्लोरोटोलीन, इतना ही याद रखो अभी, ज्यादा तो मेरे ख्याल से नाम ही, वही मैंने बोला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा जाने वो आप लोग को आगे ही पढ़ोगे, पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है तो, चलो आगे बढ़ता हूं, अच्छा
एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, सबसे पहला तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड. ये क्या है? HCl जो है, HCl मैंने क्या बताया था, HCl के केस में HCl जो है दैट इज पोलर. इसमें कौन से प्रॉपर्टीज हैं? ये नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. तो इसमें कौन से प्रॉपर्टीज हैं बताओ? आयोनिक एंड आयनिक के प्रॉपर्टीज ऐड हो गए हैं. यस, आयनिक. अच्छा, आयनिक के प्रॉपर्टीज आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आयनिक बन चुका है. यह है कोवेलेंट विद सम आयनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन मेटलाइज्ड. यस, वेरी गुड. तो इस केस में आपको कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट. ऑब्जर्व मतलब लैब में जा करके डाइपोल मोमेंट जिस तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, डिवाइडेड बाय द डाइपोल मोमेंट हैड द बॉन्ड बीन आयनिक. अगर बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक होता इनटू 100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है डाइपोल मोमेंट का. सबको समझ में? हाँ बोलो सर. आपने मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के वक्त एक फॉर्मूला दिया था सर कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर 3.5 प्लस 16 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ हाँ, वो ये दोनों से सेम रिजल्ट आता क्या? Yes, आता है. थैंक यू सर. करके गए थे तो उनमें से बहुत जगह तक दोनों रिजल्ट सेम मैच किया था. ओके, दोनों से उनको सेम ही मैच किया था. ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि सर वो फॉर्मूला एक और बार लिख सकते हो? हाँ, अब एक क्वेश्चन से बताया था ना, एक क्वेश्चन बताता हूँ. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इससे क्लियर हो जाएगा. एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिखो, covalent molecule xy found to have a dipole moment of 1.5 × 10⁻²⁹ cm. बहुत अच्छी बात. और बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ है सर. मोस्टली उन लोग लाइक 2.5D, 7.1.8D करके लिखते हैं, तो वो क्या? हाँ हाँ, बताता हूँ. ये नोट कर लिया, देखो इसमें क्या करना. ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसी से समझ जाओगे यार. अगर ये मॉलिक्यूल परफेक्टली आयनिक होता, अगर ये मॉलिक्यूल परफेक्टली आयनिक होता, अब आयनिक तो है नहीं लेकिन अज्यूम करो, तब ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होता? एक्स प्लस एंड वाई माइनस टाइप का मॉलिक्यूल. अरे कंप्लीटली आयनिक होता, जैसे HCl, अगर कंप्लीट आयनिक होता तो टोटली H प्लस होता और Cl माइनस होता. तो इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं. अगर डायपोल मोमेंट तब कितना होता, फॉर्मूला बताओ. अच्छा, फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी. यहां पर Q कितना होगा यार? सिंपल सा बात है, अगर ये परफेक्टली आयनिक होता तो इस पर प्लस वन का चार्ज, इस पर माइनस वन का चार्ज, जीरो. एक मॉलिक्यूल पर क्यों लेते हैं, ओवरऑल टोटल ऐड नहीं करते हैं. ये जो फॉर्मूला है ना Q इंटू डी,
दिस इज चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन वन एटम, नॉट ऑन द एंटायर। एंटायर पे तो जीरो आएगा, तो हर एक मॉलिक्यूल का फिर डाइपोल मोमेंट जीरो ही बोल देगा, ठीक है ना, ऐड करके नहीं बोलते हैं। एक पर, तो एक पर कितना का चार्ज, या तो प्लस वन लो या फिर माइनस वन लो। अच्छा प्लस वन क्या लेंगे, प्लस वन भी कितना, वन ई लेंगे ना, इंटू 10^-19 कूलम। बोलोगे माइनस वन भी ले सकते थे, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। इंटू क्या करेंगे हम, बॉन्ड लेंथ वही मान के चले 150। पिकोमीटर में कितना, 10^-12 मीटर। तो इससे एक और चीज समझ लेना, डाइपोल मोमेंट का यूनिट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट कितना है, कूलम कूलम पर मीटर, कूलम मीटर नॉट पर मीटर। दिस इज 1.6 इंटू 150 इंटू कितना हो गया रे, 10^-31 कितना, -31। अच्छा और एक्चुअली में ये क्या है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर दिया होगा यार, ठीक है सर, उसको सीओ टाइम कर। हां अब व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, और एक्चुअली में जब गए तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आया ऑब्जर्व्ड, 1.5 इनटू 10^-29 कूलम मीटर। This is not centimeter, ठीक है, this is coulomb meter divided by 1.6 × 150 × 10^-31 into 100 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो यहाँ से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, 1/1.6 अरे और कैलकुलेट कर, 1/1.6 बोल रहा है, कितना आ रहा होगा, 62.5 आ रहा है, चेक कर तो, यार है कि नहीं रे सर, 42.something नहीं रे, आंसर 62.5 आएगा, कितना है आंसर सर, 62.5 ही है, वही आ रहा होगा। सबको समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन, यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ सर, एक और एग्जांपल दे सकते हो, मतलब इसके तो वही सेम ही, यही तो दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा एग्जांपल में, ये समझ में नहीं आया क्या, ये तो खुद ही करना ना, मतलब अब दूसरा एग्जांपल दूंगा ना तो बुकलेट ही सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं चाहता हूँ आप लोग करो, ठीक, बस समझ में आ गया ना कैसे करना है ये लग, यस सर। अच्छा यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिख लो, एक तो ऐसा यूनिट में यूज होता है, कौन सा, कूलम मीटर, ठीक है, और एक और होता है डीबी, जो मुझे एक बार डाइपोल मोमेंट का, हाँ एक होता है वन, ये भी यूनिट होता है, 1D देखोगे कभी कभी यूनिट, इसको DB बोलते हैं, समझा, ठीक है, कभी कभी तुमको ये दे देगा, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डाइपोल मोमेंट पूछेगा, बोलेगा कितना। अच्छा एक और चीज फाइनली अगर देखा जाए, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बताओ, अच्छा NH3 में फर्स्ट वाले का डाइपोल कहाँ होगा, N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और जो लोन पेयर के कारण डाइपोल होगा ऊपर जाएगा, यहां पर क्या होगा बताओ, प्लस की तरफ,
और इसके कारण तो ऊपर ही जाएगा। तो मुझे बताओ किस केस में सभी ऐड कर रहे हैं टू द ऑर्बिटल डाइपोल, कौन ऐड कर रहा है? द बॉन्ड डाइपोल्स कंट्रीब्यूशन आर इन द डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर। सर बट फिर सेकंड केस में नेट डाइपोल क्या, कौन से डायरेक्शन में होगा सर? नेट डाइपोल वैसे अगर देखा जाए तो जनरली लोन पेयर से कोई कैंसिल आउट करता नहीं है, लोन पेयर सबसे ऊपर जीतता है, तो नेट डायरेक्शन दोनों ही केसेस में लोन पेयर के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, लोन पेयर तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है फैला हुआ एकदम, उसका डाइपोल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरली रहता है। लोन पेयर को कैंसिल आउट करेगा कौन? खुद लोन पेयर। मतलब अगर हाइपोथेटिकली अगर हमने पांच छह सिंगल सिंगल बॉन्ड्स डाल दिया तो भी नहीं कैंसिल आउट, तो भी नहीं। ठीक है, तो विच हैज गॉट, और इधर डाइपोल, इधर क्या होते हैं बॉन्ड डाइपोल्स आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन सर, तो फिर फर्स्ट वाले का वैल्यू ज्यादा रहेगा पर सेकंड वाले में वैल्यू कम रहेगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा है ना, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा NH3 का NF3 से। सबको समझ में आया कैसे करना है? तो अब कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आपको क्या करना है उसका डाइपोल मोमेंट के लिए, यू हैव टू ड्रॉ द शेप प्रॉपरली, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप प्रॉपरली बनाना है, फिर क्या चेक करना है, फिर ये चेक करना है कि उनमें से किसका बॉन्ड एंगल सब देख करके कंट्रीब्यूशन होता है, कैंसिल आउट कि नहीं होता है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का आपको बनना चाहिए। बोलो कोई डाउट सर? ऐसा हर बार करने का है क्या हमको कि हर एक का देखने का है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और फिर उसके बाद हमको उसका लोन पेयर का करना पड़ेगा ना? ठीक है, नहीं मेरे को लगा कि एक बार में चल रहा है कैसे देख लिया। अच्छा, इसका अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू x है इसका कितना होता, सर जीरो होगा क्या? इसका कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स? सर एक्स ही होगा। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक्स ही होगा ना? ओके, ये दोनों तो क्या कर लेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इफेक्टिवली यही बन गया तो आंसर X. बोलो किसी को कोई डाउट? सर इसके बारे में उतना आपने उसमें नहीं दिया ना मॉड्यूल में, क्या डाइपोल में क्वेश्चंस दिया? अभी मैंने होमवर्क नहीं दिया उस पर, नहीं मतलब चैप्टर के ये मतलब उस पार्ट के बारे में उतना इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया होगा। किस पार्ट, ये ऑर्गेनिक वाला? हाँ हाँ, नहीं नहीं ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो बस बुकलेट में क्वेश्चन दिया है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है, इसीलिए मैं जितना बताऊं उसी में डिटेल से जा नहीं रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक में ही होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ूंगा अब, लास्ट ठीक है। अच्छा यार एक और एक मॉलिक्यूल आता है, इसको भी ध्यान दे देना, ये सब थोड़े ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल्स हैं यार, ये सब को थोड़ा अभी के लिए तो बस बुकलेट में है तो क्या करूं बताना पड़ता है यार। ये दोनों जब ऑपोजिट साइड रहते हैं ना तो इसको बोलते हैं ट्रांस, किसी को मालूम था ये बात? यस सर।
हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक में करोगे। और ये दोनों जब सेम साइड रहते हैं तो सिस बोलते हैं। बताओ किसका डायपोमर ज्यादा। यार देखो सर, इधर का डायरेक्शन तो इधर, हाँ ट्रांस का कैंसिल आउट कर देगा ना। हाँ सर, याद रखना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कितना हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कैंसिल आउट, और h का भी कैंसिल आउट, बट इधर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ sp2 का ज्यादा रहेगा, तो कोई पूछेगा कंपेयर करने तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, और ये तो ट्रांस टू ब्यूटेन का डाइपोल। सर सर, लेकिन फिर यहाँ पे सर सिस में डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ रहेगा ना सर, कार्बन जो डबल बॉन्ड पे है इसकी तरफ, पता फर्स्ट वाले की सर सेकंड वाले में? हाँ इधर रहेगा, करोगे नीचे वहां पे भी, मतलब sp2 ही लग रहा है ना सर, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। हाँ sp2 है तो सर उसी की तरफ रहेगा ना सर, CH3 और C वाले। वो सॉरी सॉरी, हाँ वो बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक है सर, ये आइसोमर्स है ना? हाँ ये आइसोमर्स होते हैं, इन सबको आइसोमरिज्म बोलते हैं, आइसोमर्स। क्लियर है? एसिड ट्रेस ट्रांस इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए उन लोगों को, मेरे ख्याल से। मैं होता क्वेश्चन सेटर तो मैं तो नहीं पूछता, चाहे आप लोगों को ऑर्गेनिक में क्यों परेशान करो, लेकिन फिर भी जान लो सेम कंपाउंड सेम साइड, ऑपोजिट साइड ट्रांस सेम साइड। चलो ठीक है, आज के लिए हाँ बोलो सर, ये नॉर्मल बेसिक वो वेक्टर से भी हो जाता। हाँ वेक्टर नहीं नहीं, अगर फिगर दिया जाता तो। हाँ वही बोल रहा हूँ, फिगर कभी कभी देते नहीं वो लोग, ट्रांस और सिस बोल देंगे, तब करना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना ट्रांस किसको बोलता है। यस फिगर दे दोगे तब तो ठीक ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐसा है तो याद ही कर लो। चलो फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, आज के लिए बहुत हो गया। रखे फिर? यस सर। ठीक है चलो, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय सर, सर। हाँ बोलो।